एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज दूर दूर गांव देहात से आए हुए इस महापंचायत में, गांव सभा की इस महापंचायत में सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरे राम राम। दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक 70 साल में 3 बार ऐसे हुआ है। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, गांव देहात के थे। उन्होंने गांव देहात के लिए बहुत कुछ करा। उन्होंने केवल गांव देहात के लिए नहीं करा, पूरी दिल्ली के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचित लोगों के लिए, किसानों के लिए, गांव देहात के लिए, सबके लिए करा। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने साहब सिंह वर्मा जी, उन्होंने गांव देहात के लिए बहुत कुछ करा। और अब यह सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पिछले 2 साल के अंदर जितना काम गांव देहात में आम आदमी पार्टी की सरकार ने करा है, उतना काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं करा। सरकारें दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बैठती हैं, जब उनसे पूछो दिल्ली के बारे में तो उनके हिसाब से दिल्ली तो है वसंत कुंज, सफदरजंग, ग्रेटर कैलाश, कनॉट प्लेस। उनको भारी दिल्ली तो दिखाई नहीं देती, उनको किसान तो दिखाई नहीं देते। एक बार शीला दीक्षित जी से किसी ने पूछ लिया था, दिल्ली में ओले पड़ गए। शीला दीक्षित जी ने इसे किसी ने पूछा कि मैडम फसलों का कितना नुकसान हुआ, तो मैडम बोली दिल्ली में फसल भी होती है, आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर। बोली दिल्ली में किसान भी हैं। 15 साल शासन करने के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर किसान भी बसते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जवान भी देहात में रहते हैं और किसान भी देहात के अंदर रहते हैं, दोनों ही देहात के अंदर रहते हैं। जब तक गांव देहात को विकसित नहीं किया जाएगा, जब तक गांव देहात का विकास नहीं किया जाएगा, शहरों का विकास कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने जवानों के लिए भी काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया है। हमारे जवान, ये भाजपा वाले राष्ट्रवाद का बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं, काम कुछ नहीं करते। आपने टीवी में देखा होगा, एक बेचारा तेज बहादुर एक सैनिक था, उसने बेचारे ने कह दिया हमको दाल अच्छी नहीं मिलती, हमको सब्जी अच्छी नहीं मिलती, हमारे पैसे की चोरी हो जाती है, खाने के पैसे की। उसको सेना से बाहर निकाल दिया। ये इनका राष्ट्रवाद है। बॉर्डर के ऊपर सैनिक अपनी जान दे देता है। पहली बार भारत के इतिहास में दिल्ली सरकार ने ऐलान करा कि अगर कोई सैनिक, हमारा दिल्ली का रहने वाला आदमी, सेना के अंदर रहते हुए बॉर्डर पे अपनी जवान देगा, पूरा देश उसकी शहादत को प्रणाम करेगा, उसकी शहादत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मरने उपरांत उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे। और हमने ऐलान नहीं करा, 2 साल के अंदर हमने कई ऐसे परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। हमसे ही सीख लेते, हमारे ऐलान करने के बाद भी किसी भी दूसरी राज्य सरकार ने यह ऐलान नहीं करा कि भाई दिल्ली सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर हमको 10 या 12 परिवारों को पैसे देने पड़ेंगे, 10 या 12 करोड़ रुपए खर्च हुए, कोई कंगाल नहीं हो गई दिल्ली सरकार 10-12 करोड़ रुपए में। हमने करा, मध्य प्रदेश वाले भी कर देते, राजस्थान वाले भी कर देते, गुजरात वाले भी कर देते, सारे सैनिक खुश हो जाते, देश हो जाते। केंद्र सरकार कर देती, किसी ने नहीं करा, दिल्ली सरकार ने करा। किसानों के लिए एक चीज कहना चाहता हूं,
जो तुम्हारे दुख में काम आए, उसका दामन थामना, उसका हाथ पकड़ना। आपकी फसलें बर्बाद हुई थी 2 साल पहले। पूरे देश के अंदर कोई सरकार किसानों की आज सुध नहीं लेती। 2 साल पहले फसलें बर्बाद हुई, कई किसान मेरे पास आए, बोले जी हमारे फसलें बर्बाद हो गई। मैं अपने दफ्तर से उठ के उनके साथ हो लिया, 10-12 गांव का मुआवना किया, उनके खेतों के अंदर गया। मैंने देखा पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो गए। हमने 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा घोषणा की थी, और मैं चैलेंज करता हूं किसी देश की किसी राज्य सरकार ने, दूसरे राज्यों के अंदर चेक मिलते हैं किसी को 300 रुपए का, किसी को 400 रुपए का, किसी को 15 रुपए का, किसी को 20 रुपए का, ऐसे जैसे भीख दे रहे हैं वो किसानों। हक है किसानों का, और वो भी 20-20 रुपए के, 25-25 रुपए के चेक देते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद। दिल्ली सरकार ने पहली बार 3-3 4-4 महीने के अंदर लोगों को चेक मिलने चालू हो गए थे, और मैं कई किसानों को जानता हूं जिनको 5 लाख 5.5 लाख रुपए तक का मुआवजा। कई कई लोगों को घर पे देके गए हैं जी, कुछ लोग रह गए हैं, मेरे को पता चला है कुछ लोग रह गए हैं, कोई किसी के कागज पूरे नहीं है, फंड की कमी नहीं है, पैसा पूरा दे दिया, अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत हो सीधे मेरे घर आ जाना, मैं आपके पैसे दिला दूंगा, धक्के खाने की जरूरत नहीं। जब हमारी सरकार बनी, राजनीति में तो हम नए नए आए हैं जी, पहले मैं भी इनके साथ डब्बास नरेश डब्बास जी के साथ कंझावला में धरने पे ही बैठा करता था, मेरे हम भी धरने से ही निकले हुए। एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी गांव देहात की जी हमारी जमीन छीन लेती है सरकार, मुआवजा बड़ा थोड़ा सा देती है, बिल्डरों को दे देती है, बिल्डर उसमें करोड़ों कमाते हैं। 53 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से सरकार दिया करती थी, मार्केट रेट 3 करोड़ रुपए था, सबकी ये मांग थी कि 3 करोड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। हमने चुनाव में वादा किया था 3 करोड़ रुपए देंगे, कोई सरकार ध्यान नहीं रखते जी, सरकार बनने के बाद तो सबको अगले चुनाव तक कोई ध्यान नहीं आता। हमने सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ऐलान कर दिया 3 करोड़ रुपए का मुआवजा, 3 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से, किले के हिसाब से मैंने ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली गांव देहात के लोगों को 3 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। फाइल एलजी साहब के पास गई, एलजी साहब ने फाइल पे लिख दिया मैं मुख्यमंत्री के आदेश को खारिज करता हूं। फाइल मेरे पास आई, मैंने उस पर लिख दिया मैं एलजी साहब के आदेश को खारिज करता हूं। नीचे अफसरों को कह दिया मेरे आदेश को लागू करो, मैं एलजी को देख लूंगा। मेरा आदेश लागू हो गया। 4-5 महीने के बाद, 4-5 महीने तक मेरा आदेश लागू रहा। सिरसपुर गांव के और 2-4 और गांव के लोगों को 3-3 करोड़ रुपए किले के हिसाब से चेक भी मिल गए सबको। विश्वास नहीं हो तो सिरसपुर वालों से पूछ लेना, और भी 3-4 गांव थे उनको चेक भी मिल गए। सिरसपुर खेरागढ़ी उनके गांव के लोगों को 3-3 करोड़ के हिसाब से चेक मिल गए। फिर वो हाईकोर्ट ने कह दिया भाई केजरीवाल का ऑर्डर ठीक नहीं था क्योंकि एलजी की परमिशन ली थी, तो हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को खत्म कर दिया मेरे ऑर्डर को। अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन उन 4-5 महीनों में अपने कई किसानों का फायदा हो गया। तो एक दिन मैं जंग साहब से मिला, नजीब जंग थे उस टाइम एलजी, बोले ये जो तुमने आदेश दिया था हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया तुम्हारा आदेश, मैं सारे किसानों से चेक वापस लेऊंगा। मैंने कहा लेके देख लो, ये गांव देहात के आदमी सर फोड़ देंगे तुम्हें। फिर उसने पैसे तो वापस नहीं लिया आपसे, पैसे तो आपके हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, खूब लड़ रहे हैं हम अंदर, ये मीडिया वाले 24 घंटे दिखाते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। मैं आपके लिए लड़ता हूं जी, मैं अपने माँ बच्चों के लिए नहीं लड़ता, मैं आपके लिए लड़ता हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ, बहुत लड़ता हूँ अंदर। अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता भाई साहब, जो काम 5 दिन में होना चाहिए 15 महीने लगा देते हैं।
फाइलें जाती नहीं एलजी के पास, हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, सारे काम करेंगे, 100% जितने काम है आपके 100% पूरे करके दिखाऊंगा। विश्वास रखना, टाइम लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि हर काम में टांग अड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये आजादी के बाद तीसरी बार है, सबसे पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी मुख्यमंत्री बने, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने, और अब तीसरी बार है थारे गांव का छोरा दिल्ली के मंत्रिमंडल में बैठा है जी, कैलाश गहलोत। और इसको मैंने सारी जिम्मेदारी दी है कैलाश गहलोत को, क्योंकि गांव देहात की समस्या बिल्कुल अलग है। आप ग्रेटर कैलाश के किसी आदमी से जाके पूछो ये धारा 81 क्या होती है, उसको पता ही नहीं। आप उससे जाके पूछो ये लाल डोरा क्या होता है, उसको पता ही नहीं। तो गांव देहात का आदमी गांव देहात की समस्या दूर कर सकता है, इसलिए हमने इनको मंत्रिमंडल में बिठाया है। और इनको हमने दो विभाग बड़े बड़े दिए हैं, एक तो रेवेन्यू का, लाल डोरा, चकबंदी, आपकी धारा 81, 74, 4 जितने मुद्दे हैं, मैंने इनको कहा ये सारे मुद्दे आपको समाधान करने हैं, सारे मुद्दे कैबिनेट में लेके आओ और सारे मुद्दों का समाधान आपको गांव देहात के लिए करना। और दूसरा, गांव देहात में बसों की बहुत कमी है, उसके लिए अभी 1000 बसें खरीद रहे हैं, 2000 बसें और खरीद रहे हैं जी, और उसमें ज्यादा से ज्यादा बसें गांव देहात की तरफ लगाएंगे। शहर में तो फिर भी लोगों का ऑटो से और तरह तरह से काम चल जाता है, गांव देहात के अंदर बसों के अलावा और कोई चारा नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बसें आपकी गांव देहात के अंदर लगाई जाएंगी। अभी एक किसी ने चिट दी है, बोला जी हमारे गांव के ऊपर तार जा रही है, एचटी तार जा रही है, उसके लिए हमारा अलग से फंड है, जितने गांव के ऊपर एचटी तार जा रही है वो सारी अंडरग्राउंड करा देंगे, आप लोग बता देना। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, उसका भी हमने मंजूरी दे दिया, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जाएंगे। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम तो आम आदमी पार्टी नहीं करना है, कांग्रेस को वोट दे दोगे उसके काम नहीं होंगे, भाजपा को वोट दे दोगे वो लड़ेगा तो खूब, उसके काम नहीं होंगे, काम तो हमने कराने हैं। तो सारे जने मिलके आप लोगों ने जैसे आज तक अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना आशीर्वाद बनाए रखा, वैसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हम लोग आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जितने आप लोगों के मसले हैं, जितने आप लोगों की समस्याएं हैं, भाई रामचंद्र जी के साथ मिलकर उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भारत